नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो अपने हो जाता है बीए सेकंड वालों के लिए इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर। तो आपको बता दूं, जो आपका सेकंड पेपर होगा आगरा यूनिवर्सिटी वालों के लिए, वो क्या रहने वाला है, वो हो जाता है एमसीक्यू। क्या रहने वाला है भाई आपके लिए? एमसीक्यू रहने वाला है। तो इसका एक नोट्स कहाँ मिलने वाला है भाई? नोट्स आपका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कहाँ मिलेगा नोट्स? नोट्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाने वाला है। तो एमसीक्यू वाले फटाफट नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा एमसीक्यू क्वेश्चनों का, सेकंड का। और थ्योरी बेस्ट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण सूचना थ्योरी वालों के लिए, अगर आपको थ्योरी में अच्छे नंबर चाहिए, फुल नंबर चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तीन पेन ले जाना है। ये सभी वीडियो में बता रहा हूँ, तीन पेन। किसके लिए? एक पतला काला पेन, पतली इंक वाला काला पेन किसको ले जाना है? क्वेश्चन लिखने के लिए। सेकंड, काला मोटा पेन, जो हम क्या भरते हैं, आंसर सीट भरते हैं मोटे पेन से, मोटे इंक वाला, उसे क्या करना है, हेडिंग लिखना है। और नीला पेन होगा वो पतली इंक वाला होगा, वो उसमें आप थ्योरी लिखोगे, ठीक है? तो किस पे सबसे ज्यादा नंबर किससे मिलेंगे? हेडिंग से मिलेंगे। अगर हेडिंग आपकी अच्छी है तो बिल्कुल आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है? तो हेडिंग पर फोकस देना है। एक बार थ्योरी पढ़ना है जितने क्वेश्चन बता रहा हूं, उसके बाद बस हेडिंग ही हेडिंग याद करना है, ठीक है? मगर थ्योरी एक बार बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। थ्योरी से आप हेडिंग बना सकते हो, थ्योरी से कम तीन से चार हेडिंग आप बना सकते हो, ठीक है? तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपनी बुक में लगा लीजिएगा, उसके बाद एक बार थ्योरी फटाफट पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हेडिंग पर फोकस करना, थ्योरी दोबारा नहीं पढ़ना है। बात करते हैं नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, देखा है राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय होती क्या है, इसके बारे में डिटेल बता दो, है ना? पहले क्या करना है? उत्तर, राष्ट्रीय आय, बस थ्योरी लिख दी, राष्ट्रीय आय क्या है इसके बारे में बता दिया, ठीक है? मतलब हेडिंग फर्स्ट हो गई। उसके बारे में देखो, यहां देखा है लेखांकन की समस्याओं के बारे में आपको देख लेना है, कौन कौन सी समस्याएं हैं, इनकी भी हेडिंग लिखना है। बात करते हैं कल्पनाओं का वर्णन तथा मार्शल पीगू फिशर के बारे में भी आपको बताना है, ध्यान रखना है, ठीक है? कि राष्ट्र की आय मार्शल पीगू और फिशर के बारे में कौन कौन सी हो जाती है, कि राष्ट्रीय आय है क्या, तो इनके बारे में ध्यान से देख लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो लिखोगे कैसे? मार्शल के अनुसार राष्ट्रीय आय, बस बना बना के लिख दिया, है ना? तो इसमें कुछ नहीं है, आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो बिल्कुल हेडिंग भी बना सकते हो और क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे प्रकार से सॉल्व भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने रखा है, आय के चक्रीय प्रभाव क्या होता है, आय के चक्रीय प्रभाव को बताना है। किन्स के रोजगार सिद्धांत जो होता है उसको भी आपको बताना है, हेडिंग महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट को देखो, व्यापार चक्र को समझाइए, व्यापार चक्र क्या है इसके बारे में बताना है, और इसके सिद्धांत मुद्रा के परिमाण के सिद्धांत भी आपको यहां पर बताना है, ठीक है? आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखा है मुद्रा प्रसार क्या होता है, जो मुद्रा प्रसार है उसे क्या कहते हैं, और मुद्रा संकुचन, इसके कारण व उपाय भी आपको बताना है। कारण जब लिखोगे ना तो कारण निम्नलिखित हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिख दीजिएगा। उपाय, उपाय में आपको हेडिंग डालना पड़ेगी, ठीक है? उपाय में हेडिंग डाल लीजिए, कौन कौन से उपाय होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, फिलिप्स वक्र क्या है, जो फिलिप्स वक्र होता है वो होता क्या है, खाग निर्माण बैंक किस प्रकार खाग का निर्माण करता है, तो किस प्रकार साख का निर्माण करता है बैंक, इसके बारे में भी आपको बताना है, ठीक है? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य तथा साधारण बैंक के कार्य भी आपको बताना है। इनमें अंतर भी पूछ सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक तथा साधारण बैंक में अंतर बताइएगा, तो भी आपका क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ठीक है? और इसके कार्य क्या है, हेडिंग डाल के लिखना है। आगे बढ़ते हैं, क्रय शक्ति समता सिद्धांत की व्याख्या करना है और आलोचना भी आपको यहां पर देना है, कि किन किसने आलोचना दी है, कौन कौन सी आलोचनाएं दी है, ठीक है? हेडिंग के अनुसार लिखना है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य व कार्य भी आपको यहां पर देख लेना है, ठीक? कौन कौन से उद्देश्य है, कौन कौन से कार्य हो जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होती क्या है इसको देख लेना है। बात करते हैं, भारत विश्व बैंक से किस सीमा तक लाभान्वित हुआ है, इसके बारे में डिटेल में समझाना है। हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभाएंगी। बात करते हैं कार्य सफलताओं और आलोचनाओं के बारे में भी आपको यहां पर बताना है, ठीक है? भारत विश्व बैंक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, विनिमय नियंत्रण क्या होता है, इसके उद्देश्य भी आपको यहां पर बताना है, ध्यान रखना है, हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण होंगी इनके लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल राष्ट्रीय उत्पादन जो अपना हो जाता है GIVP, इसके बारे में और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के बारे में बताना है। इनमें अंतर भी पूछ सकता है, तो ध्यान से थ्योरी पढ़ लेना है, ठीक है? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, मुद्रा का चलन वेग क्या होता है और बैंक की परिभाषा भी आपको बताना है। किस किसने कौन कौन सी परिभाषा दी है, दो के नाम याद कर लीजिएगा, बस बैंक की परिभाषा लिख दीजिएगा, ठीक है? और वह भी काले पेन से लिखना है,
कि इनके अनुसार परिभाषा दी गई, इनके अनुसार परिभाषा दी गई, वो भी मोटे काले पेन से, ठीक है, हेडिंग वाले से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग जनित तथा लागत जनित स्फीति में आपको क्या देखना है, अंतर बताना है। मांग जनित तथा लागत जनित स्फीति में आपको क्या करना है, अंतर बताना है। बात करते हैं आधुनिक व्यापारिक बैंक क्या होती है इसके बारे में, और आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंकों के महत्व के बारे में भी आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वर्ण बिंदु से क्या अभिप्राय है इसको देख लेना है, और दे रखा है तुम्हारा विनिमय दर तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या होता है, ठीक है। बस इतने ही क्वेश्चन है, इतने ही क्वेश्चन आपने याद कर लिया तो समझ लो सारे के सारे क्वेश्चन आपके सारे के सारे बन गए। अब इनसे बनता क्या है, नोट्स डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है फटाफट, ठीक है। और क्या करना है, सारी की सारी जितनी हेडिंग है उसमें, जितनी हेडिंग है एक भी हेडिंग को मिस नहीं करना है। पहले एक बार सभी को टिक लगा लीजिएगा, आपके पास दे रखा है क्वेश्चन बैंक है या फिर कोई भी सीरीज ले रखी है और बुक ले रखी है, तो आपको क्या करना है, उसमें सभी को टिक लगा लेना है और इतने ही क्वेश्चन बस पढ़ना है, बाकी एक भी क्वेश्चन को फोकस नहीं देना है, ठीक है। अगर मान लेते हैं सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज, अगर आपके दिखता है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा और इंपॉर्टेंट है, तो वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं मैं। और बात करते हैं यहां पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, इनकी हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण है, हेडिंग नहीं छूटना चाहिए एक भी, ठीक है। यहां पर फटाफट ले जाए स्क्रीनशॉट, दिखा रहा हूं आपके लिए, बिल्कुल इतना ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रखा है, 17 से 18 क्वेश्चन है, बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। 17 से 18 क्वेश्चन है, इतना ही पढ़ना है और इनकी हेडिंग ही याद करना है। एक बार थ्योरी पढ़ने के बाद हेडिंग, बस किसी पर फोकस नहीं देना है, ठीक है। तो फ्रेंड लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिसको नोट चाहिए सेकेंड पेपर का तो वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और थ्योरी वाइज भी आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड जय हिंद, जय भारत सभी के लिए।